गुड मॉर्निंग दगड़िया, एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल धूप अच्छी तरीके से निकल चुकी है, 7:30 होने वाले हैं और आ चुका है मेरा नाश्ता, चाय रोटी और सब्जी। नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं। फिलहाल मेरा आज बाहर छोड़ने का समय आ चुका है, मेरे बैग वगैरह पैक होते हुए आज जाना है। अंतिम दिन आज पहाड़ में, आज जाएंगे हम लोग हल्द्वानी में रुकेंगे, तो मेरे बैग जो है पैक हो गए हैं। आरक्षित नहीं आएगा, मैं जाऊं? बाय बाय। राधे राधे दगड़े मंगड़े, इस बीच गंगुली आड़े उत्तराखंड से फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में। टीवी स्क्रीन है तैयार दगड़े किए रे रोलर। फिलहाल जाने का समय आज आ चुका है। घर में गुजारा नहीं होता दगड़े, जॉब तो करनी पड़ेगी। निकल चुके हैं, फिलहाल दुकान में जाता हूँ, पहले अपने काम निपटाता हूँ, उसके बाद निकलेंगे। कुछ देर बाद पापा आ जाएंगे ना, फिर जाऊँगा। फिर एक भाई और ज्वाइन करेगा मेरे को, हम दोनों साथ में निकलेंगे हल्द्वानी तक। फिर आज हल्द्वानी में रुकेंगे, कल वहाँ से फिर आगे को सफ़र बढ़ेगा हमारा। मैं तो दिल्ली जाऊँगा दगड़ियो, और वो जा रहा है मुंबई। फिलहाल हल्द्वानी तक साथ जाएंगे हम लोग। दगड़े दगड़े फाइनली पहुंच चुके हैं अपन। यार ओला यार दगड़े, वीडियो बड़े उंजस में लगे यार, घर वाले खाली रोना धोना हो जाता है, निशास लगने में क्यों दगड़े। फिलहाल हैप्पी भाई के साथ आज हमारा सफर बीत रहा है, हैप्पी भाई की गाड़ी में, और नवीन भाई जो कि मुंबई को जा रहे हैं यहाँ से हीरो बनने दगड़े, इसका जल्दी गाने आने वाला है। और हैप्पी भाई जो है डेली टूर पिथौरागढ़ टू डमडे, आज हल्द्वानी में ये हमारे साथ सफ़र करेंगे। इनकी गाड़ी ये रही 3521, पिथौरागढ़ टू डमडे चलते हैं ये। तो हैप्पी भाई कैसा लग रहा है आज हमारे साथ सफर में? ठीक ही लग रहा है। ये बात यो है ना भाई, इसको तुम गौर से देखो, जरा गौर से देखो। एक दाढ़ी तो मतलब सेम हम दीना से, मतलब भाई कौन आधी दाढ़ी ला नहीं जला, चार सफेद भाव से इला चार सफेद भाव ना, खन खन पिन पिना तो दाढ़ी ला भी सफेद यार। ये ऑलरेडी पत्ते ने कैसे भेजो है, और तू दुआ पूरी कर यार, चनन दे ठुल से गड़े। फिलहाल गड़े खबर अब आगे को बढ़ाते हैं। अभी हम लोग पनार में पहुंचे हुए हैं, पनार से चकोड़ी है 77 और धारचूला 129, बेरीनाग 67, पिथौरागढ़ 37, पाताल भुवनेश्वर 55, घाट 8 और ये क्या बोतड़ी रिवर कैंप 4 किलोमीटर। सफर की शुरुआत अब आगे को यहाँ से होगी। खाना कहाँ खुवा लिया तुम्हें? खाना देने में हला। चलो सर दगड़ियो धनिया में खाना खाएंगे, उसके बाद सफर जो भी है। निशास तो लगने में रहे यार दगड़ियो। हाँ कैसे जम रही है यार तू घर? क्या कर रहा है यार घर में, कहा हूँ बाबा तनख्वाह खाते खाते मुंडावे लाल के। अब बाप भी बोल रहा है मैं नहीं, अब ना पाल सकनी कम से, अब ना पाल सकनी पहले खिला यार। क्या कर रहा है यार, जाना ही है भयंकर। बेरोजगार लड़की, बेरोजगारों को कौन लड़की देगा? जैसे मैं पहनी को नौकरी कर। हाँ यार क्या कर, चलो दगड़ियो चलते हैं आगे की तरफ। दगड़ियो पनार से सीधे अब मुलाकात हो रही है भीमताल से, थोड़ा सा आगे सुसाइड पॉइंट के पास पहुंचने पर। सुसाइड पॉइंट में आजकल बिल्कुल जाल लगा दिया गया है, और दिखी मैं फटा एक दगड़ियो यहाँ बड़े, पहले यहाँ पे बड़ा सा पत्थर था दगड़ियो, आजकल वो पता नहीं कहाँ गया। ढही क्यों दगड़ियो ढही। फिलहाल हल्द्वानी यहाँ से रह जाता है अभी 30 किलोमीटर, तो आधे घंटे का सफर और बचा हुआ है। हल्द्वानी हल्द्वानी वाली रोड दिखाऊँ मैं आप लोगों को, वो नीचे है देखो ये, ये है हल्द्वानी वाली रोड। गजब के नज़ारे आते हैं दगड़ियों यहाँ से, आगे से हल्द्वानी भी हमको नज़र आएगी। हल्द्वानी है कहीं उस साइड को, हमने अभी वो वहाँ जाना है, वो कहाँ पता है, ये यहाँ जाना है। ये सर्दी है, इसके बाद आएगा रानीबाग, उसके बाद काठगोदाम, उसके बाद हल्द्वानी। तो चलते हैं दगड़ियों हल्द्वानी से, फिर आज शायद अब हल्द्वानी रुकना होगा क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, कल निकलेंगे वहाँ से आगे की तरफ को। इस रोड में दगड़ियों काफ़ी ट्रैफिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, और ओवरटेक करने को जगह नहीं मिलती। भीमताल से नीचे हल्द्वानी तक मतलब जो टाउन की गाड़ियाँ होती हैं ना, अभी सब नीचे को आ रही है।
बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब सलोड़ी में। क्या खिला रहा है फिर? सुबह निशास लग गया हमारा घर घर निशास यार आज है पे मुंबई था। चार बजने वाले हैं दगड़ियों, कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी में प्रवेश होता हुआ हमारा। तो दगड़ियों उतरने का समय आ गया है हमारे झोले बाहर को आते हुए। अच्छा भाई यहाँ आ रहा है मिलनू है टिकट टिकट मानी अब जब तनख्वाह लूँ तब दूँ। गूगल पे लेकर आ करूँ यार, गूगल पे चलूँगी ना, अकाउंट अकाउंट से पिताजी ने ब्लॉक कर दिया। हाँ ठीक है, पहली तनख्वाह में तेरा टिकट दूंगा मैं। ओके बाय बाय। उतर चुके हैं दगड़ियों, अप्पी भाई की गाड़ी जाती हुई अब हम जो है निकलते हैं रूम। दगड़े 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 फाइनली रूम में पहुंचने के बाद जो है खाना पीना हो चुका है। खाना पीना खाने के बाद अब आप लोगों से मुलाकात होगी। बैग ले खुल गया, कल निकलूंगा मैं दिल्ली को, फिर वहीं ढूंढते हैं कहीं जॉब। दगड़ियों अगर मिल जाती है तो कहीं नौकरी करूंगा, नहीं तो यार ये गर्म छुड़े रे यार दगड़ियों, अथाह गर्म रे बाप बाबू। मैंने सोचा नहीं था कि शहरों में इतनी गर्मी होगी, हमारे पहाड़ों में तो यार क्या हल्का दगड़ियों निशास ले लागने यार दगड़ियों क्या करे। रंगीलो पहाड़े छोटा जी रोटी कारण है, घर की याद आ रही है दगड़ियों थोड़ा बहुत जो है ना। उन्हें रे भाई यार अब पहली बार घर से बाहर निकला हूँ तो थोड़ा बहुत घर की याद आ ही जाती है कभी कभी, कभी कभार ऐसा हो जाता है दगड़ियों। आप पढ़ जाए यार दगड़ियों, सुबह कल सीधे भयंकर दिल्ली मिलूंगा मैं तुमको आराम से। भयंकर बस में जाऊँ या ट्रेन में जाऊँ यार दगड़ियों मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता देना। सुबह जल्दी जल्दी जो है सब कमेंट करके बता देना कि बस का सफ़र सही रहेगा या ट्रेन का सफ़र है। ट्रेन में तो मैं बैठा हूँ बहुत साल पहले, पर एक बार फिर बैठने की वो कर रहा हूँ। फिलहाल जो भी होगा जैसा भी होगा वो सब आपको कल आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक ले खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत। खालकुनन में है खाला।